हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। ये व्लॉग है टेक्निकल व्लॉग, मतलब मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। मेरा पार्सल आ चुका है, मैंने कहा था ना माइक के बारे में, वो माइक आ चुका है। लेट्स गो, एड्रेस है यहाँ पे तो मैंने हेड किया है। चलो इसके अनबॉक्सिंग करते हैं बिना कोई फालतू टाइम पास किए। लेट्स गो, यहाँ का लाइट बंद कर दे तो पहले। लेट्स गो करते हैं हम अनबॉक्सिंग। सो ये है हमारा आज का माइक, और ये चाबी था अनपैक करने के लिए। ये है हमारा माइक ग्रेनारो का यूनिवर्सल। यहाँ प्राइस देखो 4000 लिखा है, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं, मेड इन चाइना। ये क्या है बार कोड, देखते हैं अनबॉक्सिंग करते हैं। लेट्स गो, इसको सील को ब्रेक निकाल दे इसको बाहर। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय मां सरस्वती। लेट्स गो। वारंटी कार्ड, हमारा माइक, इसको थोड़ी देर के लिए साइड कर देते हैं। वारंटी कार्ड, हमारा माइक, इसमें केबल वगैरह है, और एज यूजुअल ये यूजर मैनुअल फेको साइड में। तो इसको करते हैं साइड। इसमें देखते हैं क्या है। सबसे पहले आईफोन का कनेक्टर, यूएसबी प्लग चार्जिंग के लिए, सी टाइप है। मतलब लाइव सुनने के लिए, ऑन द गोइंग अपनी वॉइस सुनने के लिए ये वो है। अभी मेरे को देखो अच्छे से पता नहीं, अच्छे से अनबॉक्सिंग नहीं करवा रहा, लेकिन ओके। ये कुछ मिला है, यूएसबी चार्जिंग कनेक्टर, और एक ये, और एक आईफोन का, ठीक है। अब हम करते हैं हमारा माइक रिव्यू। ये हमारा माइक है ग्रीनारो का, वायरलेस चार्जिंग वाला दिखा रहा था, लेकिन ऐसा कुछ है तो नहीं लग रहा। ये काफ़ी देख रहे हो लूज लग रहा है, इसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी से हल्की लग रही काफ़ी ज़्यादा। यहाँ तो ऐसा कुछ दिखा नहीं रहा है, ऑन कहाँ से होगा। लाइट चालू हो गई, और इसको कनेक्ट करने पे, रुको मैं कनेक्ट करता हूँ, देखते लाइट ब्लिंक करना बंद कर दी कि नहीं। कनेक्ट हो गया। हेलो एवरीवन, अभी तो इससे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी एक सेकंड में फैन की स्पीड बढ़ा देता हूँ, खतरनाक हो गई। फैन की स्पीड में बढ़ा चुका हूँ, अब मैं नॉइस कैंसिलेशन ऑन करता हूँ, सेकंड लेवल नॉइस कैंसिलेशन का। फैन काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, मजाक में। अब थर्ड लेवल करता हूँ मैं नॉइस कैंसिलेशन की, थर्ड लेवल नॉइस कैंसिलेशन का। अब हम आउटडोर जाके देखते हैं कि क्या है क्या नहीं, और मैं अभी तुरंत ये निकाल के दिखाता हूँ। एक सेकंड, अभी कैसी आवाज़ आ रही होगी ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, डिफरेंस क्या है फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल और विदाउट माइक के, ये डिफरेंस क्या। अब हम आउटडोर शूट करेंगे, ये तो घर के अंदर का था, अब बाहर देखते हैं। लेट्स गो, आउटडोर शूट करते हैं। धूप अब बढ़ गई, हाँ तो मैं इसको बाहर निकालता हूँ, और अब कनेक्ट करता हूँ। कनेक्ट हो चुका है, और मैं टेस्टिंग करते हुए कितना दूर जा सकता हूं मैं। हाँ, इतना दूर मेरे ख्याल से बहुत इजी होगा, ये बहुत ही आराम से आवाज आ रहा है, मुझे भी लग ही रहा है इतना दूर काफी ज्यादा आराम से आवाज आ रहा होगा। और नॉइस कैंसिलेशन में यहाँ पे कैसे टेस्ट करूँ ये भी चीज समझ में नहीं आ रही है। मुझे कहीं भीड़ में जाना पड़ेगा इस नॉइस कैंसिलेशन के लिए, या तो किसी पहाड़ के ऊपर जहाँ पे बहुत तेज हवा चल रही हो, बहुत ज़्यादा आवाज़ हो, ऐसा कुछ जगह मुझे जाना पड़ेगा और टेस्टिंग करनी पड़ेगी इसकी अच्छे से। और बस यही तक था, और नहीं टेस्टिंग करते रुको बाहर कहीं जाके। अब नॉइस टेस्टिंग करते हैं, इसके नॉइस कैंसिलेशन इसका कैसा है कैसा नहीं, क्योंकि हर सभी गाड़ी चला रहा है, मैं पीछे बैठा हूँ, तो इसमें बराबर समझ जाएगा कि इसकी क्वालिटी कैसी है।
अभी कुछ नहीं है, अब सेकंड स्टेज है नॉइस कैंसिलेशन की। आई होप ये बेटर साउंड हो रहा हो, बेटर साउंड आ रहा हो एकदम प्रॉपर अच्छे से। तीसरा स्टेज है नॉइस कैंसिलेशन की और ये लास्ट स्टेज है, आई होप अच्छे से आ रहा हो। तू भी जरा बोल के देखो क्या भाई कैसा है। मैं बस्ती का हस्ती ब्रो। नहीं ये छब्बीस ही दिन तो इसका नॉइस कैंसिलेशन कैसा है अभी तो मुझे उधर के पता चलेगा कि बेटर है या नहीं है, वो तो अपन देखेंगे बाद में। हाँ ये लास्ट स्टेज था, अभी सिंगल, अभी नॉर्मल पे आ गया ये चीज। सो अभी कहीं स्पॉट पे रुकते हैं, फिर बाकी के शूट्स करते हैं। इतने सारे मैंने कुछ रिकॉर्ड किए थे लेकिन माइक बंद था तो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। दुख समझ रहे हो, दुख हंसी भी नहीं आ रही, ऐसा दुख लग रहा है मेरे को। सो आई होप अभी तो तेज हवा भी चल रही है, सो माइक नॉइस कैंसिलेशन आपको समझा होगा कैसा है कैसा नहीं। हवा भी चल रही है और देखते हैं। मैंने माइक इसलिए लिया, इसका कारण ये था कि मुझे आप सबको अच्छे क्वालिटी और कंटेंट प्रोवाइड करना है, समझ रहे हो। क्योंकि सैमसंग का माइक इतना अच्छा नहीं है और आपको समझ में आता है कि अगर वो उस दूर का भी नॉइज़ वो कैप्चर करता है, इसका माइक कैसा है। तो चलते हैं, अभी मैं इंजीनियरिंग साइड हूँ, समझ रहे हो, इंजीनियरिंग साइड, और सनसेट देखने आए थे, मन था थोड़ा। सर मैं व्लॉग में आ सकता हूँ सर? हाँ आ जाइए ना सर। हाँ जरूर जरूर आ जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवा देना। अरे जरूर, आपका चैनल हमेशा हमारे, हाँ हमारे डिस्क्रिप्शन के सपोर्ट से क्या मोनेटाइज हो जाऊंगा। नहीं नहीं हमारे मेरे ही मोनेटाइज नहीं हुआ, क्या कहूं मैं अभी तक मेरा पता नहीं। सर आप स्पॉन्सरशिप तो कमा रहे हो ना, 50,000 आप घंटा घंटा कर कुछ माइक का आप स्पॉन्सर। नहीं 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 कुछ नहीं, आपको 75,000 मिला है, पब्लिक से छुपा रहे हो कि आप कमा रहे हो। नहीं 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 कमा रहा हूं मैं, नहीं कमा पा रहा हूं, ठीक है नहीं कमा पा रहा हूं। क्या यूट्यूबर्स कमा पा रहे? कितना डाउन टू अर्थ है, तो मैं डाउन टू अर्थ है यार। नहीं सच में मैं नहीं कमा पा रहा हूं फिलहाल, तो कुछ भी नहीं है फिलहाल, तो कुछ भी नहीं है। सो अभी चलते मिलते हैं घर पे। और इसका फाइनल एक बता देता हूँ क्या है, मैंने अच्छे से नहीं बताया, सो इसका फाइनल हम बता देंगे आपको घर। सो आपको इस माइक के बारे में लास्ट टाइम बता देता हूँ, ये माइक है ग्रीन आरो का, सिंगल चैनल माइक है। इस ये माइक मुझे पड़ा है 1800 का। इसका नॉइस कैंसिलेशन का 3 फेज है, पहला हल्का सा करता है, दूसरा थोड़ा सा ज़्यादा और तीसरा अच्छा खासा करता है। और जो बाइक पे नॉइस कैंसिलेशन था, इतना याद रखो कि वो हवा काफ़ी तेज़ आ रही थी, हवा काफ़ी फास्ट था, बाइक की स्पीड थी 70 और उस में ये माइक अच्छा परफॉर्म कर रहा था, मजाक नहीं। 1800 रुपये में ये अच्छा था, मेरा उतना हाई बजट नहीं था कि मैं उतना महंगा माइक खरीद सकूं। तो ये है सिंगल चैनल वाला माइक, सी टाइप की नीचे चार्जिंग दी गई है और ये खुद आपको पता है चार्जिंग कैसे पावर बैंक का काम करता है। और इसके डिस्प्ले तो मेरे ख्याल से इतना खास नहीं है, समझो स्टार्टिंग में जब आप लोगे तो इसका जो डिस्प्ले का है ना चार्जिंग, वो गिरते ही जाएगा, उसके बाद एक कहीं पे आके ही स्टेबल हो जाएगा, 70 to 75, 79 के आसपास ही आके चार्जिंग स्टेबल हो जाएगा। तो ये सारे थे। इसके साथ मिलता है हमें एक चार्जिंग कॉर्ड और एक सी टाइप का कनेक्टर जो आप यहाँ पे लगा के लाइव सुन सकते हो अपनी आवाज़ की क्लियर है या नहीं है। और दूसरा चीज़ मिलता है आईफोन का कनेक्टर, आईफोन के लिए भी ये यूनिवर्सल ही चैनल लेना, क्योंकि आपको सिर्फ एंड्रॉयड लोगे तो सिर्फ एंड्रॉयड में चलेगा, यूनिवर्सल लोगे तो आईफोन में भी चलेगा और इसमें भी चलेगा, दोनों में चलेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आओ, थोड़ा सा अनबॉक्सिंग यहाँ वहाँ हुआ होगा तो उसके लिए सॉरी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग्स में। सो व्लॉग्स बोल रहा था मैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय से। और हाँ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, क्योंकि अब क्या ही कहूँ मैं, आप सब्सक्राइब करते हुए जाना, मैं आपको सारी बातें अच्छे से बाद में बताऊँगा। हाँ सब्सक्राइब करते हुए जाना और ये चैनल प्लीज़ अपने फ्रेंड्स फैमिली सबको शेयर करना, क्योंकि फैमिली कंटेंट ही मैं लाऊँगा इस चैनल पर। अगर मैं कुछ 18 प्लस कंटेंट लाना रहूँगा तो मैं उसका एक अलग से शॉर्ट्स वाले बनाऊँगा, ये कुछ ऐसा बनाऊँगा जहाँ पे अब क्या कहूँ मैं। देखो चालू है माइक तो भी इतना चिल्ला रहे बच्चे, बाहर के बच्चे, हाँ लाना रहूँगा तो वहाँ पे लाऊँगा, ये तो फैमिली फ्रेंडली कंटेंट ही होगा। कहीं कहीं कुछ हुआ हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा मुझे। तब तक के लिए मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, टाटा बाय बाय सी यू।